नमस्कार, योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग और रहें निरोग, इसी संकल्प के साथ आज का जो है योगा के सेशन का शुभारंभ करेंगे। आज जो हम बात करेंगे वो शोल्डर पेन के बारे में करेंगे कि जैसे ऑफिस में आप काम करते हैं या घरों में आजकल लॉकडाउन के कारण जो है वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो लोग जो घंटों घंटों 5 घंटे 6 घंटे एक स्ट्रेच में जो है काम करते हैं, जिसकी वजह से जो उनको इस नेक एरिया में, गर्दन एरिया में जो है काफ़ी दर्द रहने लगता है। तो इस दर्द को कैसे ठीक करें और कौन कौन से योगा पोज करें, इसके बारे में आज के सेशन में आपको विस्तार से जो है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको बताऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा, जिससे कि आप सब चीज़ के बारे में जान सके कि कैसे जो करते हैं शोल्डर पेन अगर आपको है तो किस तरह का योगा जो है आपको करना चाहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जितने हेल्थ अपडेट्स हैं आपको वो लगातार आपको जो है मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है योगा सेशन। सबसे पहले जो सीधे बैठ जाएंगे, अपनी कमर को भी और गर्दन को सीधी कर लेंगे। अब जो अपने नेक को साइड इस तरह ले आएंगे और इस हाथ को जो है यहाँ पे रख लेंगे, और ये जो ये वाली हाथ है ये आपको पीछे रख लेना है। नेक जो है ऐसे रहेगी और ये जो हाथ है ऐसे रखे नेक को, और इस हाथ को ऐसे पीछे रख ले। अब नेक को आराम से धीरे से प्रेस करें और इसी पोजीशन में जो है आपको रहना है 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आपको होल्ड करना है इस पोज को, फिर जो है वापस आ जाना है। इसी तरह जो है फिर दूसरे साइड से करेंगे, आराम से सांस लेंगे, सांस छोड़ते पीछे इसी पोजीशन में रखेंगे 30 सेकंड से जो है 1 मिनट तक इसी पोजीशन में रहेंगे। ब्रीद इन और ब्रीद आउट नॉर्मल तरीके से करते रहेंगे, कहीं जो है अपने सांसों को इस पोजीशन में जो है रोकना नहीं है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको इसी पोजीशन में जो है रहना है, उसके बाद जो है फिर हम धीरे से जो है वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम नेक को साइड ले जाएंगे, इस हाथ को जो आप नेक पे रख लीजिए, जिससे थोड़ा सा फोर्स जो आप जनरेट कर पाए। तो ऐसे यहाँ पे भी रख सकते हैं, पीछे देखना है आपको। पीछे भी आपको जो इसमें 30 सेकंड तक रहेंगे, 30 सेकंड से 1 मिनट तक। सेम इधर जो है अपोजिट साइड भी करेंगे, 30 सेकंड तक आपको जो ऊपर देखना है। इसके बाद जो है अपनी नेक को ऊपर कर लेंगे, इसके बाद जो अपने नेक को ऊपर कर लेंगे इस तरीके से, और अपने जो दोनों उंगली को है इस तरह काली मुद्रा में लेते आएंगे, और फिर पीछे जो है ऊपर की ओर यहाँ से प्रेस करेंगे, आसमान की ओर देखेंगे। इसमें भी आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहना है, और हर एक पोज को जो आपको 3-3 बार रिपीट करनी है जितना भी आप इसको कर रहे हैं। ये 3 शोल्डर एक्सरसाइज हो गए। अब शोल्डर रोटेशन करेंगे, तो सांस लेते हुए धीरे से पीछे जाएंगे धीरे से, और फिर सांस छोड़ते हुए बहुत ही धीरे से वापस आ जाएंगे। और एक बात इसमें ध्यान रखना है, अपने जो कान को है वो कंधे से टच करने की कोशिश करेंगे रोटेशन करते समय, और बहुत धीरे से करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आपको शोल्डर रोटेशन बताया तो ऐसे ऐसे आपने 10 बार इधर कर लिया और 10 बार उधर कर लिया, उससे जो है द बेनिफिट जो है आपको वो आपको नहीं होगा। तो जब इसको करें तो एकदम धीरे धीरे और आराम से करें। सांसें कैसे रखनी है, जैसे आपको रोटेशन करना है आराम से सांस लेते हुए जाएंगे, ऐसे धीरे से कानों को शोल्डर से लगाने की कोशिश करेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये जो है आपको 15 टाइम्स राइट करना है, एंड यू हैव टू डू 15 टाइम्स ऑन द लेफ्ट साइड, बोथ साइड यू हैव टू परफॉर्म 15 टाइम्स। अब जब इसको आपने कर लिया है तो उसके बाद जो है आप ऐसे बैठ जाएं, इस तरीके से दोनों हाथों को ऐसे पीछे पकड़ लें, इंटरलॉक कर लें, चेस्ट को आगे की ओर कर लें, हाथों को पीछे ले जाएं और थोड़ा सा ऊपर कर लें। इस पोजीशन में रहें आराम से, आपको इसी पोजीशन में रहना है, चेस्ट अप 30 सेकंड से 1 मिनट आपको इसको जो है इस तरीके से हाथ को पीछे रखना है, इंटरलॉक करके पूरी तरह से खींच के इस तरीके से 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको जो है इसको रखना है, और आपको जो इसे 3 बार रिपीट भी करना है। इसके बाद आ जाएं, इसके बाद सांस लें इस तरीके से, पीछे एक हाथ को रखें अपने शोल्डर के
और सीधा कर लें। इसी इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड रखना है, 30 सेकंड से एक मिनट तक, और एक पोजीशन को जो आपको तीन बार उसको जो है यू हैव टू रिपीट थ्री टाइम्स इन वन पोजीशन, यू हैव टू रिपीट थ्री टाइम्स। नाउ ब्रीद इन एंड अगेन ब्रीद आउट, होल्ड योर हैंड इन दिस पोजिशन फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। यू कैन होल्ड इट फ्रॉम 30 सेकेंड्स टू वन मिनट। डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ टेंशन ऑन योर फेस एंड एनी एरिया। सिट रिलैक्स, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आफ्टर 30 सेकेंड यू कम बैक। दिस ऑल्सो यू हैव टू रिपीट 30 टाइम्स। नाउ ब्रीद इन and breathe out. Push your hand, push your shoulder, bring your this opposite hand, left hand over your elbow and push your elbow inside. When you do this, you will feel very gentle stretch on the upper shoulder. यहाँ पे आपको जो है बड़ा stretch अच्छा सा feel होगा। तो इसी स्ट्रेच इसी पोजीशन में रहें आराम से 30 सेकंड से लेके एक मिनट तक। फिर से सांस लें, सेंटर में आ जाएं और फिर जो है इस हाथ को इस तरीके से मोड़ें और जो है 30 सेकंड से जो है इसको भी आपको जो है 30 सेकंड रखना है। इसके बाद क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ को यहाँ पे लेते आएंगे इस तरीके से, सांस लेंगे धीरे से, ब्रीद इन और हाथ को आगे लाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। सांसों को जो है इसमें लेना किस तरीके से सही तरीके से बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है उस तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसको भी ऐसे ऐसे तेज़ी से नहीं करें, इसको भी स्लो करना है। जैसे आप दोनों हाथों को यहाँ रख लिया, यहाँ से ब्रीदिंग शुरू करेंगे। सांस लिया आपने, दोनों हाथों को ऊपर लाया और एकदम कानों के पास से वापस लाते हुए दोनों एल्बो सामने। ये एक बार हुआ, आपको 15 बार करना है। इसी तरह अपोजिट भी करना है आपको। सांस लिया आपने, दोनों हाथों को ऊपर उठाया, एकदम पीछे ले गए खींच के, फिर वापस एल्बो यहाँ। 15 बार आपको आगे तरफ करना है और 15 बार जो है बैक साइड करना है इसको, इस शोल्डर स्ट्रेच को। इसको करने के बाद जो है अपने हाथों को बराबर में लेते हैं, शोल्डर रोटेशन करेंगे वन, स्लो स्लो बहुत तेजी से नहीं, टू थ्री फोर फाइव, वापस आ जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव। ये हो गया, ये पांच बार जो है आपको जो है 20 टाइम्स फॉरवर्ड और 20 टाइम्स बैकवर्ड कर लेना है। अब आपको क्या करना है, देखिए ऐसे सांस लिया आपने, सांस लीजिए, दोनों हाथों को पीछे लेके चले जाइए इस तरीके से। सांस लिया आपने, सांस लीजिए, दोनों हाथों को पीछे इस पोजिशन को रखना है। अपनी आपके जो दोनों ब्लेड हैं पीछे शोल्डर ब्लेड्स उसको मिलाना है, ब्रीद इन और इस तरीके से स्टे इन दिस पोजिशन फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड टू वन मिनट। कीप ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, डोंट होल्ड योर ब्रेथ इन दिस पोजिशन। कीप योर फेस रिलैक्स्ड, डोंट क्रिएट टेंशन ऑन योर फेस। व्हेन 30 सेकेंड इज ओवर कम बैक, सेम यू हैव टू डू like this. Bring your hand in this position, breathe in, make a fist, breathe in and push your hand back, push your hand back like this, push your hand back, your shoulder is, your neck is straight back. Hold this position, try to bring your shoulder blades back side together. Back side together, come back. 30 seconds to 1 minute, 3 sets. Same with breathe in, back side, shoulder, try to touch your both blades back side. Breathe out, round shape, make your spine round, breathe out. Again breathe in, slowly do this posture very slowly so you can feel the stretch on your shoulder area, in your spine actually. Again breathe in,
बैक साइड योर शोल्डर ब्लेड टुगेदर बैक साइड एंड जस्ट ब्रीद आउट अगेन जस्ट ब्रीद आउट ये आपने कर लिया इसको जो आपको 15 बार आपको जो करना है इसके बाद क्या करना है हाथों को इंटरलॉक कर ले इस तरीके से दोनों हाथों को ऊपर उठाएं अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर पुश करें टुवर्ड्स द स्काई पुश इट पुश इट पुश इट और आपके जो दोनों शोल्डर हैं वो आपके ईयर को टच करेंगे इसको इस तरीके से पुश करें कि ये हाथ ऊपर की ओर आप उठाते चले जाए ये हाथ ऊपर की ओर जाना है आपका ऊपर की ओर लेते जाएं इसी पोजीशन में आ जाएं चेहरे को रिलैक्स रखें 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे 30 सेकंड टू 1 मिनट और फिर वापस आ जाएंगे इसको भी आपको जो है 3 सेकंड जो है करना है अब इसके बाद क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ चाइल्ड पोज में आ जाए इस तरीके से आराम से चाइल्ड पोज में आ जाए सर को जो है ज़मीन पर रख दें फ्लोर पर पुट योर फोरहेड ऑन द मैट अगर आप नहीं रख पा रहे सर को फ्लोर पे तो यहाँ पे आप पिलो रख सकते हैं जिससे कि आप पिलो पे सर रखें तो आराम से आप जो है उसे स्ट्रेच कर पाए दोनों सर को आराम से इस पे रख लें और अपने फिंगर पे आ जाएं स्पाइडर फिंगर इस पोजीशन में रहेंगे इसमें जो है पूरा ध्यान दो जो देना है वो बेसिकली फिंगर पे देना है फिंगर कैसे रखनी है आप थोड़ा सा कैमरा फिंगर पे भी लेते आइएगा कि फिंगर कैसे रखना है वो देख सके लो इस तरफ फिंगर पे आ जाइएगा आगे की ओर इस तरह से फिंगर रखना है दोनों घुटनों को आप मिला ले आराम से इस तरीके से फिंगर को आप बनाए रखिए इस पोजीशन में भी आपको जो है 30 सेकंड टू 1 मिनट होल्ड करना है और 3 बार जो करना है इसके बाद घुटनों पर आ जाएंगे दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे सर को फोरहेड पे ही रख लेंगे इसमें भी आपको फिंगर्स पे आ जाना है फिंगर्स पे आ जाए फोरहेड अगर रख पा रहे अच्छे से तो चिन को रख लें आराम से इसमें भी जो आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक जो रुकना है अब क्या करेंगे सांस लेंगे आराम से अपने कंधे को नीचे रख लेंगे और फोरहेड को यहाँ पे रख लेंगे और दोनों हाथों को जो है आसमान की ओर इसी पोजीशन में रहेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट तक प्री रिलैक्सिंग स्टेट में नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ टेंशन ऑन योर फेस एंड एनीवेयर फील द स्ट्रेच जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नॉर्मली एंड कॉमली इसी को जो है दूसरे साइड से भी कर लेते हैं अब मैट पे रहना है अपने शोल्डर को आराम से रख देना है मैट पे और फिर जो है वापस आ जाना इस तरीके से आसमान की तरफ सर को आप सामने भी देख सकते हैं ऊपर भी देख सकते हैं सामने देखिए तो नेक पे किसी तरह का जो है टेंशन और स्ट्रेस जो है क्रिएट नहीं होगा ऊपर देखना है आपको इसी पोजिशन में रहना है और फिर धीरे से जो है वापस आ जाना है तो इसको करें तो आपके जो शोल्डर एरिया में है वो काफ़ी रिलीफ आप महसूस करेंगे एक चीज़ और आप कर सकते हैं इस पोजीशन में बैठ जाएं दोनों हाथों को पीछे लेते हैं पीछे की ओर और आगे की ओर थोड़ा सा अपने हिप को जो है अपने एंकल की पोजीशन में बैक साइड ऑफ द जो है फुट वो रख लें और हाथों को पीछे की ओर लेते चले जाएं और चेस्ट को अप कर लें और ऊपर की ओर देखें इसी पोजीशन में आपको रहना है चेस्ट अप रहेगा सर आसमान की ओर और इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक जो है आपको रहना है सांसें नॉर्मल रहेंगी और फिर रहने के बाद जो है धीरे से जो है वापस जो है आ जाएंगे अब एक आसन करेंगे अधोमुखो शवासन योग में जो उसको हम डाउनवर्ड डॉग बोलते हैं इंग्लिश में जो है उसे डाउनवर्ड डॉग बोलते हैं योग में अधोमुखो शवासन बोलते हैं शोल्डर के लिए बहुत अच्छा आसन है वो और अगर आपको जैसे कि सर दर्द और किसी तरह की दिक्कत है तो जो है ब्लड का फ्लो उस आसन में जो है आपके सर की तरफ आता है तो उसमें भी आपको जो है बहुत रिलैक्सेशन मिलता है करते कैसे देख लीजिए इस पोजिशन में आ जाइए धीरे से
आपकी जो एड़ियां हैं पीछे वो मैट पे लगी रहेंगी। अगर नहीं लग पा रही तो कोई बात नहीं है, अब दोनों हाथों को ऐसे आराम से आगे कर लें और सर को नीचे की ओर, दोनों घुटने को जो है सीधा रखेंगे, घुटना सीधा रहेगा, सर नीचे, और अपने नाभि को देखना है आपको। इस पोजीशन में आपको रहना है 30 सेकंड से एक मिनट तक, 30 सेकंड से एक मिनट तक आपको होल्ड करना है इस पोजीशन को। होल्ड करने के बाद जो है धीरे से जो है वापस आ जाना है। ये तो जितने सारे शोल्डर स्ट्रेच थे वो आपने कर लिया, अब जो है मैं बताता हूँ रिस्ट के लिए कुछ कर ले, क्योंकि आप जब टाइप करते रहते नीचे तो इस हाथ पे भी बहुत जो है जोर पड़ता है अपने फिंगर्स पे। इसके लिए अपने दोनों हाथों को आगे कर ले, जो है ज़ोर से मुट्ठी बांधनी है आपको, ऐसे ऐसे नहीं करना है तेज़ी से, ज़ोर से मुट्ठी बांधनी है, मुट्ठी बांध के रखनी है, ऐसे बांध के रखनी है 15 सेकंड तक, फिर रिलीज़ करना है, फिर अपने जो फिंगर्स में जो है गैप ले लीजिए मैक्सिमम, इसको भी आपको 15 सेकंड तक होल्ड करना है, इसको जो आपको तीन बार करना है। इसी तरह फिर जो है अपने अंगूठे को इस तरह से हाथों के अंदर लेके आएँ और इसको सामने लेते आएँ, इसको भी आपको होल्ड करना है 15 सेकंड तक, पूरे फोर्स के साथ अपने थंब को प्रेस कीजिए इनसाइड, फिर जो है फिर सीधा कर लेंगे और हाथों को इस बार ऐसे कर लेंगे, उंगलियों को, कंधे सीधी रहेंगी, चेस्ट स्पाइन सब सीधा रहेगा, और इसको यहाँ पे पावर जनरेट करेंगे, फोर्स जनरेट करेंगे, 15 सेकंड तक रखेंगे, वापस आ जाएंगे। तो ये जो है आपके रिस्ट में होने वाले जितने प्रेशर हैं, जो आप बैठ के जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसको जो है ये रिलीज़ कर देता है। तो ये था जो मेरा आज का पूरा सेशन। अगर आपको शोल्डर पेन हो रहा है ऑफिस वर्क करने के कारण, कंप्यूटर वर्क करने के कारण, तो इन जो है शोल्डर स्ट्रेचेस और कुछ योगा पोजेस को कीजिए, तो आपके जो शोल्डर पेन हो रहा है उसमें जो है आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और खाने के साथ एक काम कर सकते हैं कि फ्राइड और प्रोसेस फूड और जो डब्बा बंद चीज़ें बाहर की, अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो भी कम कर दीजिए, और जो नेचुरल जूसेस जितने हैं फ्रूट के, पैक्ड जूस नहीं पीना है, प्रोसेस जूस नहीं पीना है, जो नेचुरल जूसेस मार्केट के होते हैं, जैसे आप घर पे भी ला सकते हो उसे, अभी जैसे मैंगो जूस है या और जितने तरह के फल बाज़ार में, मौसमी फल जो है, सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो अवेलेबल है, वो ला के उसका फ्रूट पीजिए, एक या दो दिन का, एक दिन का फास्ट रख लीजिए, वीक में डिसाइड कीजिए कि एक दिन का फास्ट रखना है, और दो दिन कर ले तो बहुत अच्छा, गैप लेके पाँच दिन, तो जो है वो धीरे धीरे, वो भी शोल्डर पेन में बहुत लाभकारी है फल जो है, वो आपके बॉडी को नेचुरल स्टेट में लाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये आप करें, उससे आपके जो है शोल्डर पेन में जो है काफ़ी फायदा होगा और आप हेल्दी और जो है फिट लाइफ जी पाएंगे। और अगर जाते जाते आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आप मेरे किसी भी हेल्थ अपडेट्स को मिस नहीं करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये सभी लोग जो है हेल्थ बेनिफिट्स का जो है लाभ उठा पाए। और एक बात कि इन दिनों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया कैंपेन मैंने शुरू किया, इनिशिएटिव है वीडियो ऑन डिमांड। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है हेल्थ से जुड़ी हुई, या किसी तरह डिजीज़ है और कोई प्रॉब्लम है, आप जो मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, उस पर कमेंट ड्रॉप कीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज़ पे जो है वीडियो चाहिए। 15 दिन के अंदर मैं आप उस सब्जेक्ट पे, उस इश्यू पे एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, जिससे कि आप उसे कर सके, और जो भी आपको प्रॉब्लम है उस जो डिजीज़ से रिलेटेड, उसमें आपको बेनिफिट मिल सके और आप एक हेल्दी और फिट लाइफ जो है जीना शुरू कर दें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।